गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। गाइस, हम जा रहे हैं रोहिणी इस्कॉन टेंपल में, जो सेक्टर 25 में अभी 17 अप्रैल को उसका उद्घाटन हुआ था और बहुत ऐसे डेकोरेशन हो रखी थी। मतलब बहुत बहुत दूर से लोग आए हुए थे, मतलब फॉरेन से भी लोग आए हुए थे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और हमारे मोमी, हाय मोमी, हाय मोमी, मोमी अच्छी अच्छी कलो, अच्छी अच्छी कलो, अच्छी दो, अच्छी दे मिले मुंदी। सिम्मी आंटी साड़ी पहन के आई है इस्कॉन टेंपल जाने के लिए। ओए खड़ी सिम्मी आंटी दिखी क्या आपको? तुम तो को जान लग रही आंटी। ओ गाइस, साथ में ना सीमेंटी की कुछ फ्रेंड्स भी आई थी। मतलब हम बहुत सारे हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे, 10-11 हो गए थे, सब लोग इकट्ठे हो गए थे। मतलब सब लोग साथ जाते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आता है। मना कर दिया ना, ये भीड़ में ये थोड़ा सा अभी कम हो जाएगा तो तब दिखा देना, अभी है ज़्यादा बाद में गाइस। देखिए यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी भी है और शायद भी है, सबके जवान खड़े कर रखे थे मतलब सिक्योरिटी के लिए। और सारी डेकोरेशन हो रखी है पूरी रोड की। ये पहनना है मम्मी जी, इनमें वृंदावन में यहाँ ऐसे ही पहन कर, तो कम घूम के पहन रही, ज़्यादा घूम से पहन के साउथ में नहीं पहनती ऐसी। ਕਦ ਪਰਸੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਪੈਰ ਲਈ ਨੂੰ ਚੁੰਨ ਬਸ ਹੋਣ ਸਿੱਖ। ਹਾਂਜੀ, ਜਣ ਸਾੜੀ ਬੰਦ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਕਿਲੇ ਬੈਠੇ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ, ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ਮੰਮੀ ਜੀ? ਕੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਭੀ ਜੀ ਪੇ ਦੇਖਣਾ ਪੜੇਗਾ ਸਾਰਾ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਛੇਗਾ। ਇਸਮੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, यहाँ पे खाना पीना है सारा, मंदिर आ गया है। और गाइस देखिए, अभी हम टेंपल के बाहर हैं, मतलब बड़ा है, डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छी कर रखी है। जब मतलब रात के टाइम ना, अगर हम रात लेट नाइट जाते हैं थोड़ा सा 7-8 बजे के बाद जब मंदिर हो जाते हैं, तो और लाइटिंग में और ज़्यादा सुंदर लगता है। मतलब पहले हम जाते थे और अब गए तो देखा कि पूरा व्यू चेंज है, सब कुछ चेंज हो गया है। जैसा वीडियो में दिखा हुआ है बात मांगूंगा मुझे फिर कभी, है ना? यहाँ तो जी लग रहा, शिवंदी नहीं आई अंत, शिवंदी भी आ जाती वही तो। झील बन रही, झील बन गई आज, आगे कहाँ जा रही, झील कहाँ बन रही? यहाँ क्या है? हैं? अच्छा, इस तरह तो हम पैर के नाते नंगे नंगे भागे थे हैं। गाइस देखें, यहाँ पे जूते चप्पल निकालने का सिस्टम है। एक ही मंडी में डालो। थैंक यू। फिर हाथ धोने पड़ेंगे मम्मी जी को। देखिए बिल्कुल वृंदावन वाली फीलिंग आ रही है गाइस। यहाँ पे गाइस हाथ धो रहे हैं सब, जूते चप्पल पे हाथ लगे ना। यहाँ से पर्स
और चलिए गाइस चलते हैं मंदिर में। देखिए अब हम मतलब अंदर एंटर कर चुके हैं। देखिए बाहर से भी कितना बड़ा व्यू दिख रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, फीलिंग अच्छी आ रही थी। अभी मतलब दिन में इतनी अच्छी डेकोरेशन दिखाई नहीं थी लाइटिंग वगैरह की, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। सब कुछ बड़ा बड़ा, देखिए पिकॉक कितना अच्छा मोर बना रखा है फ्लावर से। हाँ जी सुंदर बना रखा। जब तो मुझे नीचे नीचे आओ थे, जब तो नीचे नीचे आओ थे, अब बड़ा कर दिया। कितना घूम फिर गए चढ़ने में ही है। हाँ और अरे आज को भी लेते बेचारा, अगली बार आऊंगे तब लेकर आऊंगी। जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम इस्कॉन टेंपल गई थी ना इस वाले में, तो मुझे लगा था कि सिर्फ नीचे यहीं पे रहेगा, तो लेकिन अभी उन्होंने इतने ऊपर बना दिया। अब मंदिर मतलब प्रॉपर बन के रेडी हो गया है। सच बताओ तो बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं आज तक अभी वृंदावन मथुरा नहीं गई हूँ, लेकिन मम्मी ने बताया कि वहाँ पर भी जाके ऐसी फीलिंग आती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा। यहाँ की फीलिंग बहुत अच्छी दी गई। गाइस देखिए फाइनली हम सबसे ऊपर पहुंच गए, और यहाँ से ना मतलब सेक्टर 24 और सेक्टर 25 तो थोड़ा बहुत दिखाई देता है, क्योंकि सेक्टर 25 में ही बना हुआ है ये, तो सेक्टर 24 जो दूर की चीज़ें है ना वो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देती है। फिर आ जाओ दस चलेंगे ना अम्मी जी, मेन गेट से चल रहे किधर से। देखिए हाथ लगा रखी राधा कृष्ण। अगर एक बार आप यहाँ आ गए ना, आपने साउंड सुन लिया हरे राम हरे कृष्णा, तो फिर आपका मन नहीं करेगा कि आप घर वापस जाओ। मतलब यहाँ पे आप बहुत देर तक भी रहोगे ना, 2-3 घंटे भी रहोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि सब लोग झूमते रहते हैं, डांस करते रहते हैं, सब लोग डांस मतलब इंजॉय के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वैसे करते हैं, मज़ा आता है डांस करने में। और फॉरनर भी आए हुए थे, मतलब ये जो गा रहे थे वही लोग गा रहे थे, मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी। तो देखो यूं मैं लगा मंदिर के सामान पड़ा आयो इधर सारा घेर लिया सारा। ये मंदिर में जा गई भी मंदिर से सब वाला मंदिर का ये है झुग्गी झोपड़ी सी है ये सब मंदिर की तो है ये जो बना रहे ले रहे हैं। और अच्छा चलेंगे मुझे अंदर। ये पार्किंग है, कितनी सारी जगह है। देखिए गाइस मंदिर में ना भगवान श्री राम को भी उनके परिवार के साथ में स्थापित किया गया है। मम्मी जी कहाँ हैं?
देखिए गाइस छत भी कितनी अच्छी बना रखी है, मतलब कितनी सुंदर। यहाँ पे भी भगवान कृष्ण के, मतलब जो उन्होंने अवतार लिए थे, उनकी तस्वीरें बना रखी है। और कितनी अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है ना। देखो ये फॉरनर है शायद, फॉरनर सोने लग रही, सोने लग रही थी है ना, मगर सोनी लग रही थी। देखिए बाहर भी आ जाओ, एक अद्धा फोटो खींचे जी, चल रहे बाहर आंटी यार, तो अंदर जा ली अब लगे आज ही तो पूरा शिवंदी के साथ भी आ जाएंगे, एक दिन साथ में ही आ जाएंगे सारे। देखिए आज यहाँ खींचे तुलसी बिल्कुल ऐसे है, ये तो बढ़िया बनाता है। पॉकेट हमारी दिखाई दे रही है सर, लो मिल रहा हाँ जी आ रही, बहुत बढ़िया चल रही है यहाँ से। सारी रोड दिखाई दे रही है ग्रीन ग्रीन, हाँ जी। हर पैर में कौन कहते हैं नीचे नीचे बनेगा, नीचे का तो बंद कर दिया, देखा है नीचे भी होगा मम्मी जी, होगा नीचे भी। देखिएगा ये तुलसी मैया रखी है, दिल्ली से साड़ी पहन के, जो कर घाघरा से पहन के, स्कर्ट से पहन के, नहीं दुपट्टा लगा के, जब खाली सा हो जाएगा तब आऊंगे वीडियो बनाऊंगे। आप हाँ चप्पल वहाँ निकाल ली, और चौड़ा बढ़ा दिया बढ़िया, ठीक है। ये व्लॉग भाग यहाँ अच्छा जो इसको हम टेम्पो चलेंगे बना रखी है। हरे कृष्ण की पड़ी इसको तो कड़ा पिंजर लग रही है, लड़की या लड़की है। यहाँ देखो मुझे यहाँ मिला है कपड़े स्कर्ट से हलवा है वो है शायद, वो नहीं आता डोडा बर्फी है, डोडा जैसे डोडा बर्फी है उस टाइप। भी यार दुकान भी लगा लेंगे, देखो धीरे धीरे हाँ वो पूरी बिल्ड हो जाएगी। अभी जब रात में बहुत अच्छी लगे गेट सा बन जा, कितना अच्छा लग रहा जरा दी, देखो देखिए गाइस कितनी लाइटिंग है रात में, रात में तो बहुत अच्छा लगा है। हरि नाम कीर्तन ले ले आपने चप्पल नहीं, हम आज दिन चार कर रहे थे। पहले अंदर लगाते थे स्टॉल है ना, 113 दे दिएगा आपने? नहीं अभी यहाँ दे दिया मैंने इनको, तो अभी आया नहीं है कभी है, भूल जा। वे ले रही 113 तो उनके पास है, वे तो ले रही 113 उनके पास है। गाइस यहाँ पे ना हम जूते चप्पल, मतलब सब लोग आए थे एक पॉलिथीन में डाल के लेके गए थे, ये ना एक मतलब पेपर पे लिख के नंबर देते हैं, तो हमें हमारे शूज़ ना मतलब खो गए थे, बहुत देर बाद मिले, मतलब जो लेडीज़ हैं वे ढूंढ रहे थे उन्हें मिली नहीं थी। यहाँ पे ना जो मतलब लेडीज़ हैं उन्हें तो माता जी कहकर बुला रहे थे माता जी, और जो जेंट्स हैं इन्हें भी कुछ कह के बुला रहे थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या बोल रहे थे, लेकिन मतलब ऐसे भाई भैया ये सब नहीं बोल रहे थे, कुछ और बोल कह के बुला रहे थे।
मेरे को तो बच्चे भी देखने घर जाते नहीं, दो लोग उड़िया करते मेरे तो जूते चप्पल चेक कर रही हाथों से है लो। अरे कि सारे यार फोन कर करके आपको फोन के लिए हम नीचे आ गए। हाँ जी चल चल हाँ जी ठीक है बाय। रात में ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे रात में तो। रात के देखो एक लगी हुआ है लाइटिंग वगैरह। हाँ जी एक दिन आए थे हम शाम के टाइम, उधर से आए थे ना रोड से निकलते हुए, अच्छा लग रहा था बहुत। आना चाहिए बल्कि नहीं जब टाइम मिले। हाँ जी अब तो आ जाया करेंगे, उस टाइम तो बैठ नीचे नीचे खुला हुआ था, नीचे नीचे अभी शायद नीचे काम चल रहा हो कुछ। अब यहाँ दुकानें भी लगने लगी, ये कितना अच्छा लग रहे। नहीं ये बेचने के लिए है साहब। अच्छा हाँ दुकानें लगने लगी देखो है एक। देख हाँ ये उसके बना है गुड्डे, कैसे दिए? 100 हो गया आपका 100 हो आप। ये कैसे दिया आपने? ये 250। और ये वाले 400। अच्छा लग रहा है, नेक्स्ट टाइम आऊँगा लेके देखा। और ये वाले कैसे दिए? ट्रॉली बैग नहीं होगा मतलब, आज थोड़ा सा भीड़ भाड़ है। ये ना मंदिर की साइड में ना एक साइड टेंट लगवा था, यहाँ पे मतलब सिंगर आए हुए थे, मतलब ये ना कुछ दिन का प्रोग्राम था जिस मंदिर का उद्घाटन हुआ, 4-5 दिन का मुझे कंफर्म नहीं है कितने दिन का था, लेकिन देखिए यहाँ पे सिंगर वगैरह आए हुए थे। देखो ये तीनों उसके कैसे दिए अंकल? ये राम दरबार 250 के। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा शेयर करना। और मंदिर ओपन हो चुका है, प्रॉपरली बन चुका है, थोड़ा बहुत काम बाकी है, तो आप भी यहाँ पे आके एक बार ज़रूर घूम के जाना, दर्शन करके जाना कृष्ण भगवान के, बहुत ज़्यादा मन लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब अनलिमिटेड मन लगता है। तो आज यहीं पर व्लॉग का एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दूसरे व्लॉग में।